तराई पंचायत में गरीबों के आशियाने का सपना कथित ठेकेदार के भ्रष्टाचार के चलते पूरा नहीं हो पा रहा है। और अगला सराई गांव में पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बन रहे 50 से ज्यादा मकानों का काम 2 साल से अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों के माने तो मकान बनाने के लिए उनसे मटेरियल सप्लाई के नाम पर राशि ले ली गई है, लेकिन आज तक मटेरियल नहीं मिला है। इस तरह सरकार से मिली बड़ी राशि का गबन हो गया, जबकि एसडीएम को इस बारे में खबर ही नहीं थी। और जब उनसे मामले की जानकारी चाही तो एसडीएम ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। सर अभी तक उनका मटेरियल नहीं दिया रहा है, 7 दिन करवा के छोड़ दिए। अभी उनको फोन करके बताते हैं भैया, तो बोलता है कि गिरवाऊंगा, लेकिन लॉकडाउन खुल जाए इसके बाद फिर बोलता है कि बनवाऊंगा। तो बैंक से निकाल के मतलब दे दिया गया था, और आवास मित्र सदन जयसवाल पैसा ले लिया विश्वास के साथ कि मैं बनवा दूंगा, पैसा मैं दे दिया, वो नहीं बनवा रहा है आज तक, बनवाऊंगा लॉकडाउन खत्म हो जाए इसके बाद। बनवाने के लिए तो बोला था, अभी तो बनवा नहीं रहा है। कौन लाई लाई कर दिया है, प्लस पे नहीं करा है। कौन आवास मित्र संजय सर, पैसा तो नहीं लिया। कैसे लिया पैसा? पैसा लगवा के। तो सोनहत से कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो पीएम आवास योजना के तहत जिन गरीब लोगों को ये आवास उपलब्ध कराए गए थे। दरअसल 2 साल से ये काम ऐसे ही अटका हुआ है, 2 साल से ये भवन बनने की आस देख रहे हैं, लेकिन अभी तक ये भवन पूरे नहीं हो पाए हैं। जब संबंधित अधिकारियों से इस बारे में पूछा जाता है तो वो ढुलमुल जवाब देकर बातों को टालते नजर आते हैं। गुलशन मेहता हैं, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।